होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। चलिए वक्त हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। यहाँ एक दिन में गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमण के सर्वाधिक 1870 नए केस सामने आए हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बीच गुरुवार को ट्विटर पर शब्दों के बाढ़ चले। मंत्री ने गुहा से कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सुरक्षित हाथों में है। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस ने लोगों की जिंदगी जीने के तरीके को बदल दिया है। इस वायरल ने लोगों को सफाई से रहना सिखा दिया है, बाहर जाते समय सुरक्षित रहने की आदत लगा दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आप देश के प्रमुख शहरों की भाव जान सकते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने के लिए पीओके में उसकी चौकियों को निशाना बनाया है। भारतीय फौज की इस कार्यवाही में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रॉमी ने एमआई बैंड 5 की लॉन्चिंग के चलते एमआई बैंड 4 की कीमत में कटौती की है। भारत चीन सीमा के निकट सामरिक रूप में महत्वपूर्ण मुनसियारी बुगडियार मिलाम सड़क के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए उत्तराखंड की जौहर घाटी के हिमालयी क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों के जरिए सड़क बनाने वाली भारी मशीनें उतारी गई हैं। देश में गहराते कोरोना संकट के बीच भारतीय रेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पश्चिम रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में ओवरहेड इक्विपमेंट क्षेत्र में पहली बार सफलतापूर्वक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई गई है। कोरोना वायरस के मामले के हिसाब से भारत ने बृहस्पतिवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बन गया है। भारत में इस बीमारी के कुल 2,97,205 मामले आ गए हैं, यह जानकारी वर्ल्ड मीटर में दी गई है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस महामारी के बाद 27 जून को शीर्ष क्रिकेटर सेंचुरियन में मैदान पर वापसी करेंगे, जो दर्शक के बिना 3 टीमों का मैच खेलेंगे, जिसका प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। बॉलीवुड की हॉट और दिलकश अदाकारा उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर ऐसा फोटो शेयर किया है जिसने तहलका मचा दिया है। इस फोटो में उर्वशी रौतेला ने हॉटनेस की हदें पार कर दी हैं। तो ये थी आज की देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरें जारी रहेंगे, देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज।